नमस्कार मित्रों, वक्री शनि का मकर राशि में गोचर 2022 का फल आपको हम बता रहे हैं। 12 जुलाई 2022 को वक्री शनि पुनः धनु राशिकालीन मकर राशि में प्रविष्ट होंगे तथा 16 जनवरी 2023 तक इसी राशि में संचार करेंगे। मकर राशि में ही मकर राशिगत शनि का जो संचार फल है हम आपको बता रहे हैं, चार राशियों के बारे में, और बाकी अन्य राशियों के लिए हम अलग से वीडियो एक बनाएंगे। गोचर व शनि का जो पाया है आदि का परिवर्तन होगा ही। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि कुछ इस तरह की वीडियो के माध्यम से अपने मित्रों, अपने जानने वाले लोगों कि कुछ परेशानियां हल हो सके और कुछ उन्हें संकेत मिल सके आने वाले नववर्ष के बारे में। तो मेष राशि की हम बात करेंगे। शनि मेष राशि के दशमस्थ होने से संघर्ष एवं विघ्नों के बावजूद निर्वाह योग आय के साधन आपके बनेंगे, ये बनते दिख रहे हैं। और गुरु द्वादश तथा शनि का पाया रजत होने से धन लाभ एवं उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। जो कार्य आपके रुके थे उनके बनने की एक बड़ी उम्मीद ये नए वर्ष में है। वृष राशि को शनि नमस्थ होने से भाग्योन्नति में विघ्न बाधाएं, विलंब पैदा होगा, खर्च अधिक और लाभ कम होंगे, इसलिए अपने आय व्यय का संतुलन बना के रखें। शनि का पाया भी लोहा होने से घरेलू आर्थिक उलझने, आपको गुप्त चिंताएं सताएगी, तो थोड़ा भक्तिमय माहौल, कुछ उपाय शनि महाराज जी के लिए आप करें। उपायों के लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, परंतु आपको अगर कुछ अगर हमसे पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तीसरी राशि है मिथुन राशि, और मिथुन राशि के अष्टमस्थ होने से शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा ही, फलतः मानसिक तनाव, बनते कार्यों में अड़चने, धन प्राप्त के जो मार्ग हैं उनमें विघ्न बाधाएँ पैदा होंगी, परंतु शनि का पाया ताम्र होने से आपके कुछ कार्य बनेंगे भी, निर्वायोग्य साधन बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि से शनि सप्तमस्थ होने से व्यावसायिक परेशानियां, आय कम और खर्च अधिक होंगे, आय व्यय में संतुलन बना के रखिए आप लोग, परंतु इस राशि पर गुरु की जो उच्च दृष्टि है, पाया सुवर्ण होने से आपके बिगड़े कार्य भी बनेंगे, उनमें सुधार होगा, शुभ कार्यों की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक प्रवृत्ति होगी, धर्म कर्म दान और सत्कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो ये चार राशियों के बारे में हमने आपको बताया। जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हम अब चैनल के माध्यम से रोज़ कुछ न कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें जो आपके लिए उपयोगी हों, फलदायी हों, इस प्रकार के विषयों पर वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। जय माता दी।